तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 पाठ समुच्चय के विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 से देखना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में है, यह है प्रश्न नंबर 3। इसके अंतर्गत लिखा है, मान लीजिए ए बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि देखिए ए सम्मिलन बी बराबर ए सम्मिलन सी तथा ए सर्वनिष्ठ बी बराबर ए सर्वनिष्ठ सी, तो दर्शाइए ये क्या दर्शाना है हमको, बी बराबर सी हमें दिखाना है, ठीक ना। तो देखिए हमने पहले भी आपको बताया है, कोई दो समुच्चय अगर हमको बराबर करना होता है तो हम इसके लिए क्या सिद्ध करते हैं, तो इसके लिए हम लोग सिद्ध करते हैं बी उप समुच्चय हो सी का, ठीक ना, एवं सी उप समुच्चय हो बी का, ठीक ना। ये हमने पहले ही बताया है, किसी भी दो समुच्चय को अगर बराबर सिद्ध करना हो तो हम इनका पहले प्रूफ करेंगे कि देखिए ए उप समुच्चय हो सी का और सी उप समुच्चय हो ए का। अगर ये दोनों हमको सिद्ध हो गया तो हम समझ लेंगे कि दोनों समुच्चय आपस में बराबर हैं। तो हमको देखिए ये पहले हमको ये दिखाना है और ये दूसरे नंबर दूसरा ये दर्शा देंगे हम, ठीक ना। तो हमको क्या सिद्ध करना, ये हो गया सिद्ध करना है। तो पहले हम इसको लेके चलते हैं, देखिए पहला नंबर पे है तो इसके लिए हल कर रहे हैं। तो देखिए माना यक्स अवयव है बी का, ठीक ना। मान लिया अगर हमको पहले सिद्ध करना है तो पहले हम बी से लेके चलेंगे, तो मान लिया यक्स बी का कोई अवयव है, तो इससे हो जाएगा देखिए अगर बी का अवयव है तो ये ए सम्मिलन बी का भी अवयव होगा, ठीक ना। देखिए सम्मिलन में क्या होता है कि अगर ए में हो अवयव या बी में हो तो ये ए सम्मिलन बी में आता है, इसलिए यदि बी का कोई अवयव है तो अगर हम इसका सम्मिलन लिखेंगे तो ये अवयव ए सम्मिलन बी में तो आएगा ही, ठीक ना। देखिए जैसे मान लिया बी बराबर एक ले लिया, ठीक ना, और ए बराबर 3 और 2 ले लिया, ठीक ना। तो अगर हम इसका सम्मिलन ज्ञात करेंगे, देखिए ए सम्मिलन बी ज्ञात किया तो हमको देखिए बी का भी अवयव तो प्राप्त ही हुआ और ए का भी अवयव प्राप्त होगा, देखिए 1, 2 और 3, ठीक ना। तो यदि ये अवयव बी में है तो ये ए सम्मिलन बी में तो आएगा ही, ठीक ना। तो इस प्रकार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अगर ये लिखा हुआ है तो देखिए ए सम्मिलन बी ए सम्मिलन सी के बराबर है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ए सम्मिलन बी बराबर ए सम्मिलन सी ये दिया हुआ है। अब अगर इसको हम विस्तार रूप में लिखें तो देखिए सम्मिलन है तो क्या लिखेंगे, यहाँ दिस इम्प्लाइज दैट का सिंबल ऐसे लगाते चलेंगे, ठीक ना, यदि ऐसा हुआ तो या दिस इम्प्लाइज दैट। तो ये होता है यक्स अवयव होगा ए का और यहाँ सम्मिलन है तो या लगेगा, या यक्स अवयव होगा सी का, ठीक ना। तो देखिए हमने इस अवयव को बी में लेके चले थे और यही अवयव हमको ये सी में प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बी उप समुच्चय है सी का। देखिए उप समुच्चय का नियम ही होता है कि अगर जैसे बी उप समुच्चय है सी का इसका मतलब बी के सभी अवयव सी में होने चाहिए, ठीक ना। तो देखिए अगर हम एक अवयव बी में लेके चले थे तो हमको यहाँ पे देखिए यही अवयव सी में भी प्राप्त हो गया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से लिख देंगे हम लिखेंगे बी उप समुच्चय है सी का, ठीक ना, ये वाला हो गया। अगर हम इसको भी अगर आगे हल करें, देखिए यक्स अवयव है ए का, इसको अगर हम आगे हल करें देखिए हमको क्या प्राप्त होता है,
देखिए अगर ये यक्ष अवयव है, देखिए यहां तक तो हमने प्राप्त कर लिया ठीक ना, या के बाद वाला जो यक्ष अवयव है सी का, तो ये हमने यहां से लिख लिया ठीक ना। अगर हम इसको भी आगे अगर हल करें तो देखिए क्या प्राप्त होता है, यदि यक्ष अवयव है ए का ठीक ना, तो ये यक्ष अवयव होगा ए सबनिष्ट बी का भी होगा ठीक ना। जैसे अगर यक्ष कोई, अगर जैसे सबनिष्ठ का मतलब होता है कि इन दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव हो वही प्राप्त होता है, तो यदि यक्ष अवयव है अगर ए का ठीक ना, तो ये सवनिष्ठ में भी आएगा क्योंकि ये इसका ये अवयव है और इन दोनों का उभयनिष्ठ पार्ट कहलाता है यक्ष, इसलिए ए सवनिष्ठ बी में भी ये प्राप्त होगा ठीक ना। इसलिए यक्ष अगर अवयव है ए का तो यही यक्ष अवयव होगा ए सवनिष्ठ बी का होगा, यक्ष अवयव होगा क्या किसका होगा ए सर्वनिष्ठ सी का, क्योंकि देखिए दोनों ये दोनों बराबर हैं इसलिए यहाँ लिख देंगे ठीक है, यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए अगर इसका विस्तार रूप करें तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए यक्ष अवयव है ए का और यक्ष अवयव होगा सी का ठीक ना। तो देखिए यक्ष अवयव है ए का ठीक ना, और सर्वनिष्ठ और मतलब और यक्ष अवयव है सी का, तो देखिए हमको यही अवयव हम बी में लेके चले थे और ये सी में हमको प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बी उपसमुच्चय है सी का ठीक ना। तो देखिए दोनों जो हमको ये प्राप्त हो गया, तो ये कथन एक डाल देते हैं, चाहे इसको डाल दीजिए, देखिए कथन एक हो गया ठीक ना। अगर अब हमने बी उपसमुच्चय है सी का प्रूव कर दिया, अब हम प्रूव करेंगे कि सी उपसमुच्चय हो बी का, तो यदि हम दोनों प्रूव कर लेंगे तो हम बोल देंगे कि बी बराबर सी है, तो हम यहां लिख लेते हैं। देखिए अब लिखेंगे, माना वाई अवयव है, देखिए इसके लिए हम प्रूव कर रहे हैं ये सेकंड वाले के लिए, सी उपसमुच्चय है बी का, इसको हम लिए हैं ठीक ना। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, हाँ ये y उपसमुच्चय, ये y अवयव है c का ठीक ना। तो अगर ये y अवयव है c का तो ये किसका अवयव हो सकता है, तो ये अवयव हो सकता है a सम्मिलन c का भी हो सकता है ठीक ना। जो अवयव c में है वो a सम्मिलन c में तो आएंगे ही ठीक ना। a सम्मिलन c का मतलब ही होता है कि या तो a के अवयव हों, या तो सी के अवयव हो, या तो इन दोनों के उभयनिष्ठ अवयव हो, जो उनको एक बार हम लिखते हैं, तो इस प्रकार ये अवयव सी में भी होगा। अब देखिए अगर वाई अवयव है ए सर्वनिष्ठ सम्मिलन सी का, और ए सम्मिलन सी किसके बराबर है, ए सम्मिलन वाई के, इसको हम लिख सकते हैं ए सम्मिलन बी, क्योंकि ए सम्मिलन बी बराबर ए सम्मिलन सी, ये हमको ये दिया हुआ है। अगर हम इसको विस्तार करें तो देखिए क्या प्राप्त होगा, यक वाई अवयव है ए का या वाई अवयव है बी का ठीक ना। तो देखिए या है तो या ये यूनियन है तो ये और में बदलता है ना, सम्मिलन या में बदलता है, लिखा जाता है इसको विस्तार में। तो देखिए हमने ये लेके चले थे वाई अवयव है सी का, और ये हमको पता चल गया कि वाई अवयव है बी का, तो हम सी से लेके चले थे बी में भी वही अवयव हमको प्राप्त हो गया, तो ये हम यहाँ से कह सकते हैं कि सी उपसमुच्चय है बी का ठीक ना। ये हमने पहले भी डी मॉर्गन लॉ या और प्रकार के नियमों में हमने बताया है कि अगर वाई ये अवयव है सी का, और यही वाई अगर हम प्रूव कर दें कि बी में भी यही अवयव है, इसका मतलब सी उपसमुच्चय है बी का, मतलब अगर सी का एक सी का अवयव अगर बी में भी है तो सी उपसमुच्चय होता है बी का। अब देखिए अगर इसको हम और अब इसको विस्तार करके देखते हैं, देखिए ये भी हमको क्या प्राप्त होता है, देखिए वाई अवयव है ए का, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई अवयव है ए सर्वनिष्ठ सी का ठीक ना। देखिए सर्वनिष्ठ मतलब कि इन दोनों के उभयनिष्ठ अवयव आ जाएगा, यदि ए में है तो ये सर्वनिष्ठ सी में भी पाया जाएगा ये ठीक ना, क्योंकि इन दोनों के उभयनिष्ठ अवयव को लिखा जाता है, तो इस प्रकार ये हो गया। अब देखिए अगर इसको हम विस्तार करके लिखें तो ए सर्वनिष्ठ सी हमको ए सर्वनिष्ठ बी के बराबर है ये
ठीक ना। तो ये हमने इसको कन्वर्ट करके लिख लिया, यहाँ ऐसे चिन्ह लगाइए। अब देखिएगा इसको हम विस्तार करके लिख दें तो क्या प्राप्त होगा, एक्स वाई अवयव है ए का और सर्वनिष्ठ है तो और में बदल जाएगा और लिखेंगे वाई अवयव हो बी का, ठीक ना। तो अब देखिए हम सी से लेके चले थे इस अवयव को और ए में भी हमको ये प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हम और कह सकते हैं कि सी उप समुच्चय है बी का, ठीक ना। तो कथन दो इसको लिख लेते हैं, देखिए समीकरण नहीं है ये कथन है केवल, तो लिखेंगे कथन एक एवं दो से, कथन एक एवं दो से हमको क्या प्राप्त हो गया कि b बराबर ये c है, ठीक ना। तो इस प्रकार हमने आपको दर्शा दिया कि a बराबर c होता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर तीन हल हो गया। अब प्रश्न नंबर चार देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर चार में है, दिखाइए कि निम्नलिखित चार प्रतिबंध तुल्य हैं। तो देखिए इसमें चार प्रतिबंध दे रखा है, पहला दिया है ए उप समुच्चय है बी का, सेकंड में लिखा है ए माइनस बी बराबर फाई और थर्ड में लिखा है ए सम्मिलन बी बराबर ये बी और फोर में लिखा है ए सर्वनिष्ठ बी बराबर ए, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि सभी एक दूसरे के समतुल्य हैं, ठीक है, मतलब सभी बराबर हैं, ये तुल्य हैं, एक जैसे ही हैं। तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले और दूसरे को ले लेते हैं, ठीक है, पहले और दूसरे को ले लेंगे, फिर पहले और तीसरे को ले लेंगे और पहले और चौथे को ले लेंगे, ठीक ना। तो यदि पहले और दूसरे से, देखिए पहले और सेकेंड नंबर है ना, दूसरा को लिया तो इससे क्या हुआ, हमको देखिए क्या मिला कि हम देखिए पहले मैंने लिखा ए उप समुच्चय है बी का, ठीक ना। और हमको यही ये अगर हम ले आ दें इसको हल करके कि एक समुच्चय है ए उप समुच्चय है बी का, ठीक ना, तो ये इन दोनों के तुल्य हो जाएंगे, दोनों बराबर जैसे हो जाएंगे। तो देखिए पहला में लिखेंगे माना, मान लिया ए माइनस बी बराबर फाइव, ठीक ना। तो देखिए ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि देखिए ए का मतलब वो अवयव जो ए में हो मगर बी में ना हो, ठीक ना, ए माइनस बी का यही मतलब होता है, ठीक ना। जैसे हम एक एग्जांपल बता देते हैं इसको, जैसे एक एग्जांपल ले लिया दो तीन चार पाँच और बी में ले लिया एक दो छः चार, ठीक ना, ये ले लिया। तो यदि हम इसका a माइनस बी निकालें तो हम इसमें ये लिखते हैं कि वे अवयव जो a में है लेकिन b में ना हो। तो देखिए a में ये दो है, यहाँ भी दो है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, ठीक ना। मतलब हमको a माइनस बी में ये उभयनिष्ठ जो दोनों हैं ये हमको यहाँ नहीं आएंगे। इसका मतलब हुआ कि इन लोगों में वो अवयव जो a में भी हैं और बी में भी हैं वो ए माइनस बी में नहीं आएगा, ठीक ना, इतना तो समझ में आ गया, ठीक ना। ए माइनस बी में क्या आएगा, जो ए में हो मगर बी में ना हो, ठीक ना। देखिए इसको पहले कर लेते हैं, ए में ये है मगर बी में नहीं है इसलिए ये यहाँ आया है, फोर यहाँ है यहाँ है तो ये भी ये नहीं आएगा, ठीक ना, और पाँच यहाँ है यहाँ नहीं है तो ये पाँच आ गया, ठीक ना। अब देखिए अगर हम एग्जाम्पल ले लें ए बराबर दो तीन चार और यहाँ b बराबर दो तीन ये चार ले लिया, ठीक ना। तो अगर हम a माइनस बी निकालें यहाँ पर तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, दो तो नहीं आएगा, अगर तीन है तीन है तो यहाँ तीन नहीं आएगा, चार है तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये फाइव प्राप्त हुआ जो हमको ये कंडीशन दिया हुआ था, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यक्ष अवयव है ए का और यक्ष अवयव है बी का, ठीक ना, यही मतलब हुआ इसका कि यदि यक्ष ए में भी है और यक्ष बी में भी है, ठीक ना, तो इसलिए ए माइनस बी का आंसर फाइव आ गया, मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं आया। अब देखिए ये अवयव क्यों आए हैं, क्योंकि ए में थे मगर बी में नहीं थे, यही मतलब हुआ। तो अगर हम इसको भाषा में लिखें तो लिखिए यक्ष अवयव है ए का लेकिन
लेकिन यक्ष अवयव नहीं होगा बी का, ठीक ना, तभी ये अवयव इसके अंदर आए हैं। अगर ये बराबर हो जाए, मतलब दोनों में अगर ये हो जाए, देखिए दोनों में आ गया, दोनों में हो तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, है ना। ए के सभी अवयव बी में भी हैं और बी के अवयव ए में भी हैं, तो यहाँ देखिए फाइव हो गया, मतलब ए के अवयव जो बी में नहीं होने चाहिए थे, मगर यहाँ ए के सभी अवयव बी में हैं, इसलिए यहाँ कुछ नहीं आया, ठीक ना। तो इसका स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है और इसका ये लिखा हुआ है, ठीक ना। तो मतलब देखिए ए माइनस बी फाइव आया है, इसका मतलब क्या होगा कि हमको ऐसा ये वाला कंडीशन नहीं मिलेगा, ठीक ना, मतलब ये नहीं मिलेगा हमको। तो मतलब हम लिखेंगे यहाँ ऐसा एक्स अस्तित्व में नहीं होगा जो, ठीक है, ऐसा होगा यक्ष अवयव हो ए का और यक्ष अवयव नहीं होगा बी का, ठीक ना। ये वाला कंडीशन नहीं बनेगा आपको, क्योंकि यहाँ कुछ कुछ तो आया है। तो ऐसा कौन सा यक्ष होगा, तो यक्ष यहाँ आता, तो यहाँ कैसा होगा, तो यहाँ किस प्रकार का होगा, तो ये इस प्रकार का रहा होगा, ठीक ना, तब ये फाइव में आया है। तो इससे क्या प्राप्त हुआ कि यक्ष, या तो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ ऐसा यक्ष अस्तित्व में होगा जो, देखिए यक्ष अवयव होगा ए का और यक्ष अवयव होगा ये बी का, ठीक ना। ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा, इसको यहाँ थोड़ा हटा दें, ठीक ना, ये रहा ये, ठीक ना। तो इसका मतलब कि देखिए अगर ए यक्ष ए में भी है और यक्ष बी में भी है, इसका मतलब ए उपसमुच्चय है ये बी का, ठीक ना। यक्ष अगर ए में भी है तो यक्ष बी में भी है, तो ए उपसमुच्च हुआ बी का। तो देखिए पहला और दूसरा लेके चले थे, तो पहले में तो हमको दिया था कि ए उपसमुच्चय है बी का, और इसको अगर हम हल किए तो देखिए ए उपसमुच्चय है बी का आ गया, ठीक ना। अब हम पहला और तीसरा देख लेते हैं, तो पहला और तीसरा का कंडीशन देख लेते हैं। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ इसको लेके चलेंगे पहले, ठीक ना। तो लिखेंगे माना यक्ष कोई अवयव है ए का, ठीक ना, कोई एक समुच का एक अवयव यक्ष ले लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि यक्ष अवयव होगा ए सम्मिलन बी का भी, ठीक ना। अगर यक्ष का अवयव है तो सम्मिलन में भी प्राप्त तो होगा ही, ये पाया ही जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अगर यक्ष, ये देखिए यक्ष अवयव है, देखिए ए सम्मिलन बी बराबर बी दिया हुआ है, तो यक्ष अवयव होगा बी का, क्योंकि ए सम्मिलन बी बराबर ये बी दिया हुआ है। तो अगर हम इस अवयव को ए में लेके चले थे और यही अवयव अगर हमको बी में प्राप्त हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ए उपसमुच्चय है बी का, ठीक ना। तो ये भी हो गया हमारा। अब पहले और चौथे को लेके यही कर लेते हैं, पहला और चौथा। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड, फोर्थ, ठीक ना। तो इसमें देखिए इसको ले लेते हैं, माना यक्ष अवयव है ए का, ठीक ना। अरे यक्ष अवयव है ए का, तो यक्ष अवयव होगा ए सर्वनिष्ठ बी का, ठीक ना, क्योंकि देखिए ये बराबर दिया हुआ है इसके, ठीक ना। तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि ए सर्वनिष्ठ बराबर ये ए दिया हुआ है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हमको प्राप्त होगा यक्ष अवयव हो ए का और, है ना, सर्वनिष्ठ है तो और में बदलेगा, यक्ष अवयव है बी का। तो अब देखिए हमको यक्ष अवयव है ए का और हमको मिल क्या गया, यक्ष अवयव है बी का। तो इस प्रकार ए उपसमुच्चय है बी का। तो देखिए इस प्रकार प्रश्न नंबर चार हल हो गया। अब प्रश्न नंबर पांच देखते हैं। तो प्रश्न नंबर पांच में है लिखा, यदि ए उपसमुच्चय हो बी का
तो क्या दिखा रहा है, सी माइनस बी उपसमुच्च होगा सी माइनस ए का, ठीक ना। तो ये हमको सिद्ध करना है, तो लिखेंगे माना माना यक्स अवयव है सी माइनस बी का, ठीक ना। इसको लेके चल रहे हैं हम, ठीक ना। इसका जो अवयव होगा ये हमको, अगर इसमें हमको ये प्रूव कर देंगे कि इसका अवयव सी माइनस बी का अवयव सी माइनस ए में भी है, तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें देखेंगे, अब इसको ओपन करेंगे तो देखिए क्या है, यक्स अवयव है सी माइनस बी का, इसका मतलब यक्स अवयव होगा सी का और यक्स अवयव नहीं होगा बी का, यही मतलब होता है। इसके पहले प्रश्न में भी यही था, सी माइनस बी का मतलब वो अवयव जो सी में है लेकिन बी में ना हो। तो यक्स अवयव है सी का और यक्स अवयव नहीं है बी का, ठीक ना। इसके बाद देखिए, यक्स अवयव हो गया सी का और देखिए ये यक्स अवयव नहीं होगा ए का। क्यों नहीं होगा, देखिए ये पहला लाइन लिखा हुआ है ए उपसमुच्चय है बी का, ठीक ना। तो इसका मतलब ए के सभी अवयव बी में हैं, ठीक ना। ए के सभी अवयव बी में हैं, ठीक ना। ये एक लाइन हो गया। और अगर उल्टा बात करें तो अगर अगर ये बी में अगर कोई अवयव नहीं है, ठीक ना, मान लिया कोई बी में एक अवयव नहीं है, तो इसका कोई चांस नहीं है कि वो अवयव ए में हो, ठीक ना, क्योंकि इसके सभी अवयवों को बी में होना उपस्थित अनिवार्य है, इसलिए तभी ये ए उपसमुच्च होगा बी का। और यदि कोई अवयव बी में नहीं है तो ए में होगा ही नहीं, ठीक ना। इसीलिए यदि यक्स बी का अवयव नहीं है तो यक्स ए का भी अवयव नहीं होगा। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, यक्स अवयव होगा सी माइनस ए का, ठीक ना, वापस हो गया। देखिए यक्स सी का अवयव है और ए का अवयव नहीं है, तो जगह सी माइनस ए मतलब वो अवयव जो सी में हो लेकिन ए में न हो। तो देखिए हमने इस अवयव को सी माइनस बी में लेकर चले थे और यही अवयव हमको सी माइनस ए में आ गया, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सी माइनस बी उपसमुच्चय है सी माइनस ए का, तो हमारा सिद्ध हो गया। तो अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, अब लिखा है इसमें, मान लीजिए कि पी ए बराबर पी बी, तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर ये बी सिद्ध करना है, ठीक ना। देखिए ए बराबर बी सिद्ध करना है, तो इसके लिए सीधा सा बात है, दो समुच्चय अगर बराबर सिद्ध करना है तुमको ये प्रूव करना है ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है ए का, ठीक ना। ये दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय अगर हो गए तो दोनों समुच्चय बराबर हो जाएगा, ठीक ना। और ये जो दिया है ये है घात समुच्चय, तो इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। एक समुच्चय लिया जिसके अवयव एक और ये दो ले लिया, यदि हम इसका अगर सभी इसके उपसमुच्चय अगर हम बनाएं, इस समुच्चय के सभी उपसमुच्चय बनाएं, तो देखिए उपसमुच्चय हमको क्या मिलेंगे, उपसमुच्चय पहले बनेगा फाइव मिलेगा, फिर एक मिलेगा, फिर दो मिलेगा और इस यहाँ एक और दो ये मिलेगा, ठीक ना। ये सभी इसके उपसमुच्चय हैं। अगर हम इन समुच्चयों का समुच्चय अगर ले लें तो उसे ही पी ए बोलते हैं, इसे मतलब घात समुच्चय बोलते हैं। इन सभी उपसमुच्चयों को हम एक सेट में लिख लेंगे तो वही एक घात समुच्चय कहलाता है, ठीक ना। ए का घात समुच्चय बराबर पी ए लिखते हैं, तो इनको हम इसको समुच्चय के अंदर डाल दिए, तो ये हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसी को देखकर हम यहां पर इसको हल करते हैं। देखिए हम यहां लिख लेते हैं, माना यक्स अवयव है ए का, ठीक ना। देख लीजिए यहां शुरू कर रहे हैं, एक अवयव हमने मान लिया यक्स बराबर एक, एक अवयव ए का तो आपको दिख रहा होगा, ठीक ना।
तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा यक्ष अवयव है का, और यही यक्ष अवयव होगा एक ठो मान लिया कैपिटल वाई, ठीक ना, कैपिटल वाई सॉरी कैपिटल यक्ष ले लिया, तो ये क्या चीज़ है, और जहाँ देखिए और अच्छे सब समझ में आ जाएगा, जहाँ यक्ष बराबर ये आपका एक्स एक अवयव हो गया, ठीक ना, ये हो गया ऐसे, थोड़ा नीचे लिख लें इसको, उसमें मिल जा रहा है ये ऐसे, देखिए यक्ष अवयव है ए का, और यही यक्ष अवयव होगा कैपिटल एक्स का, ठीक ना, जहां एक्स बराबर यहां एक्स ये ले लिया, एक ऐसा समुच्चय ले लिया जिसका अवयव यक्ष है, ठीक ना। देखिए तो अगर इसमें बात करें तो देखिए अगर ए इसको अगर हमने यक्ष माना है, मान लिया यक्ष बराबर एक है, तो यहाँ ये वाला यक्ष कैपिटल एक्स काम कर रहा है, ठीक ना, मतलब ये सभी उपसमुच्च हैं, मतलब ये समुच्च ही है, उपसमुच्च का मतलब ये होता है कि सभी इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित हों। तो देखिए यक्ष बराबर कैपिटल एक्स बराबर एक ये समुच्च है, ठीक ना, तो हमने एक ऐसा यक्ष ये लिया अवयव ए में है, तो वही अवयव एक्स में भी है, तो देखिए वही अवयव वन एक्स बराबर एक लिया है, तो यही अवयव इस यक्ष बराबर इस समुच्चय में है, ठीक ना, तो ये रहा कैपिटल एक्स बराबर एक्स ले लिया, ठीक। अगर यहाँ पर एक्स बराबर एक रख दें तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, ये हो गया। अब इस प्रकार देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्ष उप समुच्चय है ए का, तो देखिए ये सभी उप समुच्चय ही थे, ठीक ना, तो यक्ष उप समुच्चय है ए का। अब देखिए यदि यक्ष उप समुच्चय है ए का, ठीक ना, ये सभी उप समुच्चय हैं, तो देखिए यही जो ये जो जितने उप समुच्चय ये सभी उप समुच्चय बने हैं, वो तो सभी ये सभी इसके अवयव होंगे। देखिए यही उप समुच्चय यहाँ अवयव बन गए हैं, तो किसके अवयव हैं, ये पी ए के अवयव हैं, ठीक ना। तो देखिए इसी को हम लिख देंगे यक्ष अगर उप समुच्चय है, यक्ष उप समुच्चय है ए का, तो अब ये ना ये यक्ष कैपिटल यक्ष अवयव है पी ए का, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यक्ष देखें यहाँ पर उप समुच्चय हैं, ये सभी उप समुच्चय हैं, इसमें से हम एक को लेकर चल रहे हैं, तो ये उप समुच्चय है ए का, तो यक्ष उप समुच्चय है ए का, ठीक ना। अब देखिए इसमें जो कैपिटल यक्ष है, अब अगर हम घात समुच्चय को देखें तो इस घात समुच्चय में ये एक उप अवयव की तरह है, ये एक दो तीन चार अवयव हैं, तो देखिए यहाँ एक अवयव की तरह है, इसलिए हमने लिखा यक्ष ये अवयव है पी ए का, ठीक ना। अब देखिए अगर यही चीज यक्ष अवयव है पी ए का और पी ए पी बी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यक्ष अवयव होगा पी बी का, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है पी ए बराबर पी बी, ठीक ना, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई देखिए ये समुच्चय है, ठीक ना, कैप ये सब समुच्चय हैं, देखिए एक दो तीन चार ये समुच्चय हैं और इसके अंदर हैं, तो ये यहाँ पी ए के अवयव की तरह काम कर रहे हैं, ठीक ना। अगर ये जो समुच्चय है ये पी बी का अवयव है, ठीक ना, तो पी बी का अवयव है, तो क्या हो जाएगा, यक्ष ये हो जाएगा उप समुच्चय होगा बी का, मतलब कोई बी कोई समुच्चय होगा उसके ये उप समुच्चय रहे होंगे, तब ना इसके जब घात समुच्चय हमने निकाला पी सेट का, तो इसका ये अवयव की तरह है, तो देखिए जैसे उल्टा भी हो रहा है, यहाँ से अगर वापस चलें, देखिए यक्ष अगर अवयव है पी ए का, ठीक ना, तो ये क्या रहा होगा, यक्ष उप समुच्चय रहा होगा ए का, और यक्ष उप समुच्चय रहा होगा ए का, तो इसका जो अवयव है, जो यक्ष अवयव है ए का, तो यक्ष अवयव होगा ए का, ठीक ना। अब इस तरह आगे चलेंगे, देखिए यक्ष अवयव है पी बी का, तो यक्ष उप समुच्चय होगा ए सेट बी का, ठीक ना, और अगर ये होगा तो इसमें यक्ष अवयव होगा बी का, ठीक ना। तो अगर इसमें यक्ष उप समुच्चय है बी का, तो अगर यक्ष के सभी अवयव बी में उपस्थित होंगे, और यक्ष का अवयव कौन सा था, देखिए यक्ष का यक्ष एक अवयव है कैपिटल यक्ष का, तो ये वाला देखिए यहाँ मैंने लिख दिया यक्ष अवयव है बी का, ठीक ना। अब देखिए हमने लेके क्या चले थे, यक्ष अवयव है ए का, और हमने क्या प्रूव किया, यक्ष अवयव है बी का। इस प्रकार देखिए इससे क्या प्राप्त हुआ, ए उप समुच्चय है ए बी का, ठीक ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसी तरह देखिए हम इसको सिद्ध करेंगे, ठीक ना, यक्ष बी उप समुच्चय है ए का, तो चलिए देखिए इसको देखते हैं अब। तो अब देखिए इसके बाद
ठीक है, इसको मुझे यहाँ लिखना है, आप यहाँ, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। इसी प्रकार हम लोग मान लेंगे, माना वाई अवयव है बी का और वाई अवयव है कैपिटल वाई, है ना, जहाँ वाई बराबर ये एक अवयव है वाई, ठीक ना। जैसे इसको हमने किया था ऐसे इसको भी करेंगे, तो इस प्रकार ये कैपिटल वाई उपसमुच्चय होगा ये बी का, ठीक ना। तो अगर ये उपसमुच्चय है तो कैपिटल वाई अवयव होगा घात समुच्चय बी का, और ये देखिए पी बी बराबर पी ए है, तो हम इसको ले सकते हैं पी ए, ठीक ना, क्योंकि पी ए बराबर पी बी है। तो इस प्रकार ये हो गया। अब देखिए यहाँ तक हम लोग आ गए, ठीक ना, और इसके बाद लिख लेंगे हम वाई उपसमुच्चय होगा ए का, ठीक ना, इसका है तो ये उपसमुच्चय, फिर इसके बाद लिखेंगे वाई अवयव होगा ए का। तो देखिए हमने इस वाई को लेके बी में लेके चले थे, वाई देखिए यही अवयव ए में भी उपस्थित हो गया, तो हम लिखेंगे बी उपसमुच्चय है ए का, ठीक ना। तो कथन एक और कथन दो से देखिए, तो देख चूंकि ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है ए का, तो इस प्रकार कथन एक एवं कथन दो से बी बराबर सी हो गया, ठीक ना। तो जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर लिया, सॉरी बी बराबर सी नहीं, ए बराबर ये बी हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। तो प्रश्न नंबर 6 हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में लिखा है, किन्हीं भी समुच्चयों ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि, देखिए पी ए बराबर पी ए सम्मिलन पी बी बराबर पी ए सर्वनिष्ठ बी, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक ना। तो देखिए इसमें ना इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, ठीक ना, जैसे कि पहले क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहता था। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हम ए और बी समुच्चयों के लिए हम कुछ अवयव लेकर इसको हम दिखा सकते हैं कि एक सत्य है या असत्य है। तो देखिए ए बराबर हम ए समुच्चय में हम ले लिए एक दो, है ना, दो अवयव ले लिया, बी में ले लिया तीन या चार, तो ये इनका हम घात समुच्चय निकालेंगे। तो पहले पी ए, है ना, ये होता है ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, जिसे हम घात समुच्चय कहते हैं। तो हम इनका घात समुच्चय बना लेते हैं, देखिए क्या हो गया। इसका पहले बनेगा फाई एक दो और एक और दो, ये तो इस प्रकार ये पी ए हो गया। पी बी देखते हैं क्या होता है, तो पी ए में पी बी में भी एक फाई हो गया, एक तीन हो गया, फिर चार हो गया, फिर तीन और चार, तो इस प्रकार पी ए और पी बी ज्ञात हो गया। तो हम पी ए सम्मिलन पी बी ज्ञात कर लेते हैं, तो पी ए सम्मिलन पी बी, तो इनको लिख लेते हैं। तो देखिए इनके जो भी अवयव हैं सबको लिख लेते हैं, यहाँ फाई एक दो तीन, एक दो लिखेंगे, ये फाई यहाँ लिख चुका है तो एक बार पुनरावृत्ति नहीं होगी इसकी, तीन चार और तीन चार का ये समुच्चय बन गया। देखिए इस प्रकार ये इसका ये हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, ए सर्वनिष्ठ बी निकाल के उसका घात समुच्चय निकालेंगे। तो लिखेंगे ए सर्वनिष्ठ बी बराबर, तो ए सर्वनिष्ठ बी क्या हो जाएगा, इन दोनों का उभयनिष्ठ पार्ट क्या हो जाएगा, ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करना है हमको। यहाँ ए सर्वनिष्ठ बी नहीं है, ये ए सम्मिलन बी दिया हुआ है, ठीक ना। तो ए सम्मिलन बी क्या हो जाएगा, तो ए के अवयव और बी के अवयव दोनों को साथ में लिखना है, तो ये हो गया। अब इनका हम घात समुच्चय निकालेंगे, तो पी ए सम्मिलन बी बराबर,
तो इनका देखिए क्या क्या आ जाएगा, एक फाई हो जाएगा, एक दो तीन चार, ठीक ना, फिर इनको एक दो ले लेंगे, एक दो एक तीन एक चार, फिर दो तीन दो चार, फिर तीन चार, फिर तीन का लेंगे तो लिखेंगे एक दो तीन, एक दो तीन, फिर एक दो चार, फिर एक तीन चार, ठीक ना, फिर लिख लेंगे दो तीन चार, फिर लिखेंगे अब इस पूरे समूह को लिख लेते हैं एक दो तीन चार। देखिए इसमें कितने उपसमूह चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ठीक ना, इस प्रकार ये आ गया। देखिए अगर ये अगर सभी सभी अगर आप सभी अवयवों को लिख सकें, मतलब घात समूच में जो भी इसके अवयव हों सबको अगर लिख सकें तो ठीक है, वरना फिर देखिए इसमें हम इसको ये ज्ञात कर लेंगे कि इस घात समूच में देखिए अवयवों की संख्या है कितनी, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर ए में, अगर ए में अवयवों की संख्या मान लिया इसमें यम है, ठीक ना, तो इनके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, तो उप समुच्चय कितने हो जाएंगे, उप समुच्चयों की संख्या ये दो के घात m होती है, ठीक ना। तो इस प्रकार इसके उप समुच्चय कितने हो जाएंगे, इसमें इसमें इसके अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो घात समुच्चय में देखिए क्या होता है, घात समुच्चय में देखिए इसमें क्या लिखा है, ए समीकरण बी के सभी अवयवों के सभी का उप समुच्चय ही लिखा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए इसमें इनकी संख्या, इसके उप समूह इनके अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जितना इसके उप समूह होंगे वही इसके अवयवों की संख्या हो जाएगी, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, दो के घात m हो जाएगा। तो अगर हम इसमें देखें तो एक दो तीन चार है, तो इसमें कुल अवयव कितने आने चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पर दो के घात चार, मतलब सोलह। तो देखिए सोलह आ गया, तो इसमें देखिए अगर हम किसी एक को भी यहाँ से अगर पूरा न लिख सकें तो हम केवल थोड़ा सा ही लिख लेंगे। देखिए एक है दो है तीन है चार है, देखिए यहाँ चार आ गया, यहाँ चार है एक दो है एक दो है, यहाँ एक तीन है यहाँ एक तीन नहीं है, ठीक ना। तो हमको यही एक अवयव जो है इसमें नहीं है इसमें है, यही से हमको पता चल गया कि ये इसके बराबर नहीं है, ठीक ना। तो इसके आगे हम डैश डैश करके ये बड़ा ब्रैकेट लगा के बंद छोड़ सकते हैं, तो लिखेंगे चूँकि पी ए सम्मिलन पी बी बराबर नहीं है पी ए सम्मिलन बी, ठीक ना, तो ये मतलब इसके बराबर नहीं था, तो इसी का जांच करना था हमको। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर सात हल हो गया। अब प्रश्न नंबर आठ देखते हैं। ये प्रश्न नंबर आठ, किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि, तो इसमें पहला है ए बराबर ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन ए माइनस बी, ठीक ना, ये दिया हुआ है। और दूसरा भाग दिया इसका ए सम्मिलन बी माइनस ए बराबर ए सम्मिलन बी, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको देखिए पहला देखते हैं यहाँ पर, इसके लिए करेंगे हम, तो इसमें लिख लेते हैं माना, हम इसको पहले लेके चल रहे हैं, माना यक्स अवयव है ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन ए माइनस बी का, ठीक ना। तो इसको हम देखिए इस सम्मिलन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे यक्स अवयव है ए सम्मिलन वाई सर्वनिष्ठ वाई, और या यक्स अवयव है ए माइनस बी का, ठीक ना। फिर इसको हम ओपन करें तो इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यक्स अवयव है ए का, ये देखिए ये सर्वनिष्ठ है तो यहाँ और लगेगा, और यक्स अवयव है बी का, ठीक ना, और ये या है, इसको ओपन करेंगे तो लिखिए क्या होगा, यक्स अवयव है ए का,
ठीक ना, ए माइनस बी मतलब होता है ए में हो मगर बी में ना हो, और यक्स अवयव नहीं हुए बी का। तो देखिए यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यक्स अवयव है ए का, इतना तुमको पता चल गया, यक्स अवयव है ए का, या अब देखिए यहाँ भी देखिए यक्स अवयव है ए का, इन दोनों से हमको ये प्राप्त हो गया, देखिए यक्स अवयव है ए का, यक्स अवयव है ए का, यहाँ से तो पक्का है, इस वाली स्टेटमेंट से तो पक्का है यक्स अवयव है ए का, यहाँ से भी एक पता है कि यक्स अवयव है ए का। इस प्रकार देखिए यक्स अवयव हो गया ए का, तो देखिए यक्स इसका हमने अवयव लेके चले थे और यक्स ए का अवयव प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन ए माइनस बी उप समुच्चय है ए का, ठीक ना, ये कथन एक हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको लेके इसका लेके चलेंगे, तो लिखेंगे विलोमत माना वाई अवयव है ए का, ठीक ना। तो इसमें ये हो सकता है, देखिए दो कंडीशन होता है, वाई या तो वाई अवयव होगा ए का बी का, या वाई अवयव नहीं होगा बी का, यही दो कंडीशन बचता ही है। ए का तो पक्का है कि ए का ये है ही, मगर बी वाले में या तो होगा या तो नहीं होगा। यदि होगा तो इससे क्या बन जाएगा, देखिए यक्स अवयव है ए का और यक्स अवयव भी है बी का, तो इस प्रकार ये हो जाएगा, सॉरी वाई अवयव है ए का, वाई अवयव है बी का, इसका मतलब वाई अवयव होगा ए सर्वनिष्ठ बी का, है ना, उभय निष्पाठ में ये वाई आ जाएगा, ए का भी है वाई का भी है, अगर सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो उसमें ये अवयव तो प्राप्ति हो जाएगा। या देखिए यहाँ पर हो जाएगा यक्स अवयव है ए का, या और यक्स वाई अवयव नहीं है बी का, तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही मिटा लेते हैं इसको, तो देखिए इससे हो जाएगा यक्स वाई अवयव है ए का, वाई अवयव नहीं है बी का, तो इससे हमको प्राप्त हो जाएगा वाई अवयव है ए माइनस बी का, ठीक ना। अब ये वा या हटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, वाई अवयव है ए सर्वनिष्ठ बी का, और या है तो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, ठीक ना, और अवयव है ए माइनस बी का। तो देखिए यहाँ वाई ए का अवयव लेके चले थे हमने, इसी वाई को इसका अवयव हमने प्रूव कर दिया, तो ये हो जाएगा, इस प्रकार क्या हो गया कि ए उप समुच्चय है ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन ए माइनस बी का, तो ये हो गया दूसरा कथन। तो लिखेंगे कथन एक एवं दो से, एवं दो से हमको देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन ए माइनस बी, ठीक ना। तो इस प्रकार ये पहला भाग सिद्ध हो गया, अब हम इसको दूसरा भाग देख लेते हैं। देखिए दूसरा भाग है, तो हम इसको लिख लेंगे माना यक्स अवयव है ए सम्मिलन बी माइनस ए का, ठीक ना। तो अब देखिए ये जो यूनियन है इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, यक्स अवयव है ए का, या यक्स अवयव हो बी माइनस ए का, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से तो यक्स अवयव है ए का हो गया, यक्स अवयव है ए का लिखा गया, या देखिए यक्स अवयव होगा बी का, ठीक ना, और यक्स अवयव नहीं होगा ए का, यही मतलब हुआ बी माइनस ए का, तो यही मतलब हुआ। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ग्राफ बना लेते हैं, ये देखिए जैसे एक ये रहा समुच्चय ए का, ये समुच्चय बी है, ठीक ना, तो इसका मतलब हुआ यक्स अवयव है ए का, इसका मतलब देखिए ये यक्स अवयव है ए का, ये पूरा हमने ए को कलर कर दिया, ठीक ना, ये छायांकित हो गया। अब इसमें बोलता है यक्स अवयव है बी का और यक्स अवयव नहीं है ए का, इस वाले स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ कि ये देखिए देखिए यक्स अवयव है बी का, मगर यक्स जो ए वाला पोर्शन है बी का ही, ए वाला जो पोर्शन है वहाँ नहीं होगा, तो हम मतलब बचा कितना, ये वाला पोर्शन बचा, यही हुआ ना, यही वाला पोर्शन बचा, यक्स अवयव है बी का, मतलब अगर ये भर केवल ये भर लिखा होता तो पूरा लिखा होता, पूरा कलर किए होते, मगर इसमें बोला यक्स अवयव नहीं है ए का, मतलब ए वाला पोर्शन इसके हिसाब से कलर नहीं होगा।
और जब देखिए अब कुल मिला के हमको मिला क्या, ठीक ना, ये देखिए कुल मिला क्या, कुल मिला क्या, तो ये हमको मिला ए यूनियन बी प्राप्त हो गया, ठीक ना। यक्स अवयव है ए का, तो ये पूरा कलर कर दिया इस वाले स्टेटमेंट से, इधर वाले से ये पूरा कलर कर दिया। फिर इसके बाद यक्स अवयव है बी का, तो अगर यहीं तक लिखा होता हम भी इसको भी कलर कर दिए थे पूरा, मगर बोल रहा है यक्स अवयव नहीं है ए का, इसलिए हमने यहाँ पर इस कलर नहीं किया था, ठीक ना। इस वाले के लिए हमने यहाँ पर कलर नहीं किया, बस यहीं पर कलर किया, मगर जब दोनों को मिला के देखे तो हमको ए यूनियन बी ही प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार यक्स अवयव है ए यूनियन बी का, ठीक ना। तो देखिये यक्स को हमने यहाँ इसका अवयव लेके चले थे, यक्स हमको ए यूनियन बी का अवयव प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक ना। ए यूनियन बी माइनस ए उप समुच्चय है ए यूनियन बी का, ठीक ना। ये कथन एक हो गया। हम इसके आगे इसको लिख सकते हैं इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए यूनियन बी उप समुच्चय है ए यूनियन बी माइनस ए का। तो देखिए कथन एक एवं कथन दो से क्या हो जाएगा, कथन एक एवं दो से क्या हो जाएगा, लिखेंगे ए सम्मिलन बी माइनस ए बराबर ए सम्मिलन बी। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 का भी दोनों भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 9 का है, इसमें लिखना है कि कोई गुणधर्म का प्रयोग करके इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी देखिए मान लेते हैं, माना यक्ष अवयव है ए सम्मिलन ए सर्वनिष्ठ बी का। तो इसमें जाएगा यक्ष अवयव है ए का और ये या में बदल जाएगा, यक्ष अवयव है ए सर्वनिष्ठ बी का। फिर इसको ओपन करेंगे तो यक्ष अवयव है ए का, ठीक ना, यहाँ से तो ये पता चल गया। अब देखिए या के बाद देखेंगे तो लिखेंगे यक्ष अवयव है ए का और यक्ष अवयव है बी का, ठीक ना, सर्वनिष्ठ और में बदल जाएगा। तो देखिए इन दोनों से तो इतना प्राप्त हो गया, देखिए यक्ष अवयव है ए का प्राप्त हो गया, यहाँ भी यक्ष अवयव है ए का प्राप्त हो गया है, ठीक ना। और किसी का ये अवयव हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यक्ष अवयव है ये हमको ये प्राप्त हो गया, यक्ष अवयव है ए का ये हमको प्राप्त हो गया, ठीक ना। यहाँ या लिख देते हैं तो इस प्रकार ये प्राप्त हो गया। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं ए सम्मिलन ए सर्वनिष्ठ बी उप समुच्चय है ए का, ठीक ना, तो ये कथन एक हो गया। इसी प्रकार विलोमत हम लिख मान लेंगे, माना वाई अवयव है ए का, ठीक ना। तो अगर ए का अवयव है तो ये ए सम्मिलन बी का भी होगा, ठीक ना, ए सम्मिलन बी का भी ये अवयव होगा। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ए सॉरी वाई अवयव है ए सर्वनिष्ठ ए यूनियन बी का भी होगा, ठीक ना। देखिए यूनियन का तो है ही, इसके बाद सर्वनिष्ठ इसका भी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि यक्स अवयव है ए का, अगर ए यूनियन बी का ये अवयव हुआ तो इसके बाद सर्वनिष्ठ कर लेंगे हम, ए यूनियन बी में ए और बी के दोनों अवयव हैं, इसी प्रकार ए में केवल ए के अवयव हैं, तो इसका जब उभयनिष्ठ लेंगे हमको ए वाले अवयव तो प्राप्त होंगे ही, ठीक ना। ए और ए यूनियन बी में जब इसका सर्वनिष्ठ लेंगे मतलब उभयनिष्ठ वाला अवयव लेंगे तो ये हमको वाई प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वितरण का नियम लगा देते हैं, देखिए वितरण का नियम लगाएंगे तो ये जाएगा ए सर्वनिष्ठ ए ये वाला यूनियन और यहाँ लिखा ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक ना, वितरण का नियम है, ठीक ना। जैसे अगर ये जैसे यहाँ पे मान लिया 2 × 3 + 4 होता, ठीक ना, तो इसको ओपन कैसे करेंगे, इसका उड़ा इसमें ऐसे लिखेंगे हम 2 × 3 और ये प्लस यहाँ लिखाएगा 2 × 4 लिखाया, ठीक ना। इसी प्रकार ये गुड़ा है ये प्लस है मान लिया, तो जब इसका गुड़ा करेंगे देखिए 1 × a और ये जो है यहाँ आ गया, देखिए प्लस में आ गया और ए गुड़े बी लिख लिया, तो वितरण का नियम है इस प्रकार ये ओपन होता है। तो इसमें देखिए लिखा है ए सर्वनिष्ठ ए, तो ए सर्वनिष्ठ ए का मतलब ए ही है और सम्मिलन ए सर्वनिष्ठ ये बी का आ गया,
तो देखिए हमको एक से लेकर चले थे, हमको ये वाई अवयव इसमें भी प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार लिखेंगे ए उपसमुच्चय है ए सम्मिलन ए सर्वनिष्ठ बी का। तो ये दूसरा कथन हो गया। तो लिखेंगे कथन एक एवं दो से, एक एवं दो से क्या प्राप्त हो गया, ए सम्मिलन ए सर्वनिष्ठ बी बराबर ए प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 का पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग देखते हैं। देखिए इसमें लेंगे माना, इसमें लिख लेते हैं यक्ष अवयव है ए का, ठीक है ना। चलिए दाईं तरफ का ले लेते हैं। तो इसमें यक्ष अवयव है ए का, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा यक्ष अवयव है ए यूनियन बी का भी तो होगा ये, ठीक ना। अगर ए का अवयव है तो ए यूनियन बी का भी ये अवयव होगा, क्योंकि ए का अवयव है तो इसका जब सम्मिलन ज्ञात करेंगे तो ए का अवयव भी इसमें आएगा। अब देखिए अगर ए है तो इसमें लिख सकते हैं यक्ष अवयव है ए सर्वनिष्ठ ए यूनियन बी का, ठीक ना। जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में भी यही कराया था हमने, अगर यूनियन है तो इसके सर्वनिष्ठ के संग इसका में भी इसका अवयव अवयव आएगा, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हम एक अवयव ले लेते हैं, यहाँ पर ए लिख लिया एक दो तीन, और बी ले लिया चार और पाँच ले लिया, ठीक ना। अगर हम इसका सम्मिलन ज्ञात करते हैं, देखिए ए सम्मिलन बी ज्ञात करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच आ गया, ठीक ना, ये आ गया हमको। अगर हम इसका सम्मिलन ज्ञात सर्वनिष्ठ ज्ञात करें हम ए के साथ, देखिए ए के संग अगर सम्मिलिष्ठ ही ज्ञात करेंगे तो मतलब एक दो तीन सम्मिलिष्ठ एक दो तीन चार पाँच। तो देखिए इसमें क्या आएगा, देखिए ये हमको ये तीनों आएंगे ही, ठीक ना, एक दो तीन आएगा ही, मतलब जो अवयव एक जो अवयव ए में लिए थे ना, ये देखिए सभी अवयव इसमें आ गए हमको, इसलिए हम इसको यहाँ लिख रहे हैं। अब देखिए ये हमको ए को लेके चले थे, इसमें हमको प्राप्त हो गया, तो हम लिखेंगे ए उपसमुच्चय है ए सर्वनिष्ठ ए सम्मिलन बी का, ठीक ना, ये कथन एक हो गया। इसी प्रकार अब हम इसको बायां पक्ष लेके चलते हैं, विलोमत माना वाई अवयव है ए सर्वनिष्ठ ए सम्मिलन बी का। तो ओपन कर लेते हैं, वाई अवयव है ए का और ये सर्वनिष्ठ है तो यहाँ पर और लग जाएगा, ठीक ना, और यक्ष अवयव है ए सम्मिलन बी का। तो देखिए ये देखिए यक्ष अवयव है ए का, ये तो पता चली गया यहाँ से, तो यक्ष अवयव है ए का। और देखिए इसके बाद वाला स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, वाई अवयव है ए का या वाई अवयव है बी का, ए सम्मिलन बी का मतलब यही हुआ। तो देखिए इससे तो इतना पता चल गया कि वाई अवयव है ए का, वाई अवयव ए का, देखिए इसके बाद में भी लिखा है और के बाद भी लिखा है वाई अवयव है ए का या वाई अवयव है बी का, ठीक ना। तो वाई अवयव ए का तो प्राप्त हो ही गया हमको, ठीक ना। तो देखिए इसका लेके अवयव लेके चले थे, ए का अवयव हमको प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार लिखेंगे हम ए सर्वनिष्ठ ए सम्मिलन बी उपसमुच्चय है ए का, ये दूसरा कथन डाल लिए। तो लिखेंगे कथन एक एवं दो से क्या हो जाएगा, ए सर्वनिष्ठ ए सम्मिलन बी बराबर ए,
ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 9 का दूसरा भाग भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 है, इसमें लिखा है कि दिखाइए कि ए सवनिष्ठ बी बराबर ए सवनिष्ठ सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं है। इसका मतलब यदि ए सर्वनिष्ठ बी बराबर ए सर्वनिष्ठ सी है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बी बराबर सी होगा, ठीक ना। देखिए अगर हमको बी बराबर सी अगर सिद्ध करना हो तो हम इसके लिए पहले बी उपसमुच्चय है सी का प्रूफ करेंगे एवं सी उपसमुच्चय है बी का, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको मान लेते हैं, माना यक्स अवयव हो बी का, तो ये हो सकता है कि यक्स अवयव होगा ए का या यक्स अवयव नहीं होगा ए का, यही हो सकता है। और अगर यदि ए अवयव है ए का तो इस प्रकार हो जाएगा यक्स अवयव होगा ए सर्वनिष्ठ बी का हो जाएगा, ठीक ना। या देखिए बी का अवयव है और ए का नहीं है तो इसका मतलब हो जाएगा कि यक्स अवयव नहीं होगा ए सर्वनिष्ठ बी का। देखिए ए सर्वनिष्ठ बी का मतलब है कि दोनों के उभयनिष्ठ अवयव होने चाहिए। तो देखिए बी में नहीं है मगर ए में नहीं है, इसलिए ये ए सर्वनिष्ठ बी का अवयव तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए चूंकि एक्स अवयव है, देखिए ए सर्वनिष्ठ बी ए सर्वनिष्ठ सी के बराबर है तो इसको हम ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी हम यहाँ पर ए सर्वनिष्ठ सी लिख सकते हैं। ये रहा यक्स अवयव है ए सर्वनिष्ठ सी का, इसका मतलब यक्स अवयव होगा सी का, ठीक ना। तो यक्स ए का भी अवयव होगा और सी का भी होगा, तो सी का उभयनिष्ठ अवयव आएगा। तो यक्स अवयव है सी, हमको हमने ये लिख लिया। या देखिए यक्स अवयव नहीं होगा सी का, तो देखिए यहाँ पर एक बार अवयव सी का आ रहा है। तो देखिए यक्स अगर अवयव है बी का और यक्स अवयव है सी का तो इसका मतलब बी उपसमुच्चय है सी का, ये प्राप्त हुआ। या देखिए यहाँ पर यक्स अवयव है बी का और यक्स अवयव नहीं है सी का तो इस प्रकार बी उपसमुच्चय नहीं है सी का, ये हो सकता है, ठीक ना। अब देखिए पुनः हम विलोम ये लिख लेते हैं, विलोम त या इसी प्रकार माना वाई अवयव है सी का, तो इस प्रकार हो सकता है वाई या तो अवयव होगा बी का या अवयव होगा बी अवयव नहीं होगा बी का। तो इस प्रकार देखिए हमको ये प्राप्त हो गया कि यदि वाई सी का अवयव है तो वाई बी का भी अवयव है, इस प्रकार सी उपसमुच्चय है बी का। या देखिए सी इस प्रकार बी का अवयव नहीं है तो इस प्रकार हो जाएगा सी अवयव नहीं है बी का। तो देखिए इसमें कोई जरूरी नहीं होता है कि इसके बी बराबर सी होने के लिए यह आवश्यक नहीं है। इसका एक उदाहरण लेके लिख लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 3 4 7 8। तो देखिए अगर इसका हम सम्मिलन ज्ञात करें, हम सर्वनिष्ठ ज्ञात कर लें, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर ये क्या है इसमें 3 4, और ए सम्मिलन सी का क्या हो जाएगा, ए और सी में क्या उभयनिष्ठ है 3 और 4, तो हो गया 3 और 4। तो देखिए इस प्रकार ए सम्मिलन बी बराबर ए सम्मिलन सी है लेकिन बी बराबर सी नहीं है, ठीक है। देखिए बी बराबर सी हमको नहीं है, देखिए अलग अलग इनके अवयव अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ